जतिन, सबसे पहले आप बताएं स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे? हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रहेगी बाजार में, इसके लिए हम दो बाई साइड की तरफ के ट्रेड्स लेके आए हैं। जो पहला ट्रेड होगा वो डॉक्टर रेड्डीज में होगा। तो डॉक्टर रेड्डीज में हमने देखा है कि 3-4 हफ्तों का एक करेक्शन हुआ था, वो करेक्शन के कारण अभी जो स्टॉक है अपने 20 वीक एवरेज के सपोर्ट पे आ गया और वहां से बाइंग इंटरेस्ट बता रहा है। तो डॉक्टर रेड्डी में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 6580 का और टारगेट रहेंगे 6800 के। डॉक्टर रेड्डी पहली पिक रहेगी। दूसरी पिक रहेगी वेदांता। मेटल स्पेस में से आज अच्छा खासा मोमेंटम है मेटल पैक में, तो हमें लगता है वेदांता में आगे जाते हुए भी ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रह सकती है, इसके लिए वेदांता में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 457 का और टारगेट रहेंगे 500 की। बिल्कुल, मेटल सेक्टर में आज के ट्रेडिंग सेशन में चमक दिखी है और उसी सेक्टर से वेदांता पर खरीदारी की राय जतिन की तरफ से, ₹500 प्रति शेयर का लक्ष्य। और इसी के साथ फार्मा सेक्टर से डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर भी खरीदारी की राय है, 6800 तक के लक्ष्य इस स्टॉक पर भी दिखाई दे सकते हैं। सोनी, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे? अश्लेषा जी, यहाँ पे मेरा पहला पिक रहेगा MGL पे, जहाँ पे हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा है। सो करेंट लेवल 1940 पे खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए 1910 का और लक्ष्य रहेगा यहाँ पे आपका 2000। साइमल्टेनियसली अगर आपको कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना है तो MGL की अक्टूबर सीरीज 2000 कॉल ऑप्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं 54 पे। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 38 और पहला लक्ष्य आप लगा सकते हैं 70 का, दूसरा रहेगा 86। ये कॉल ऑप्शन के माध्यम से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अक्टूबर सीरीज, और ये हमारा आज एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन भी है, सेम लेवल्स पे दिए गए हैं। दूसरा बाय यहाँ पे रहेगा बैंकिंग स्पेस में से फेडरल बैंक, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक 10-20 EMA हर्डल को क्रॉस करते हुए आज नजर आ रहा है स्टॉक। सो फेडरल बैंक आप खरीदारी कर सकते हैं करंट लेवल पे, स्टॉप लॉस लगाए 186 का और पहला लक्ष्य यहाँ पे रहेगा आपका 195, दूसरा लक्ष्य रहेगा 197। तो फेडरल बैंक पर खरीदारी की राय 195 से 197 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। इसी के साथ महानगर गैस यानी MGL पर भी खरीदारी की राय ₹2000 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। इसी के साथ IT सेक्टर पर नजर डाल देते हैं। याद रखें, कल भी एक अकेला सेक्टोरल इंडेक्स था जो लाल निशान में था और आज भी IT सेक्टर में थोड़ी सी कमजोरी दिखी है। करीब 0.5% की गिरावट के साथ निफ्टी IT इंडेक्स कारोबार कर रहा है। और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो LTI माइंड्री करीब 1.5% की गिरावट यहां पर है। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, LTTS सभी स्टॉक्स में 0.5% से 1% की गिरावट आज दिखी है। जतिन, आपसे पूछना चाहूंगी, निफ्टी IT इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी और निफ्टी IT इंडेक्स में कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जहाँ पर खरीदारी के मौके बन सके? देखिए, ओवरऑल निफ्टी IT में जरूर थोड़ा सा करेक्शन आया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये करेक्शन एक ज्यादा और डाउनसाइड की तरफ हमें पॉइंट कर रहा है। हमें लगता है कहीं ना कहीं ये जो प्रीवियस रैली हुई थी अपसाइड की तरफ, और उसका ही सिर्फ रिट्रेसमेंट है। हमें नहीं लगता है कि कोई बड़ा मेजर ट्रेंड रिवर्सल है इन द केस ऑफ IT सेक्टर स्टॉक्स। और अगर जो मेरे को जो एक स्टॉक अगर जो मेरे को ट्रेड रिकमेंड करना होगा तो वो इंफोसिस में होगा। तो इंफोसिस में हमने देखा है कि करेक्शन आया है, वो बहुत ही शैलो करेक्शन आया है और वो रिसेंटली अपने 40-day एवरेज के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सपोर्ट के आसपास आ गया है इंफोसिस, तो यहाँ पे एक लॉन्ग की गुंजाइश बनती है। हमें लगता है कि अगर जो IT सेक्टर में से कोई फ्रंटलाइन स्टॉक में से अगर जो ट्रेड लेना है तो इंफोसिस हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा। हमें लगता है 1865 के एक 1% के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग किया जा सकता है और ऊपर में लक्ष्य रहेंगे 1930 से लेके 1950 के। तो IT पॉकेट में इन स्तरों पर इन्फोसिस पसंद आता हुआ 1900 के ऊपर के लक्ष्यों के लिए। जो इनका अजरबैजान रिजर्व है, वहाँ से उत्पादन बढ़ने की संभावना है, विदेशी कारोबार जो है उसमें भी बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है, और इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो प्रोडक्शन का स्तर है उसमें लगातार एक सुधार देखने को मिलने वाला है ONGC में। बताइए, आपका नज़रिया क्या कहता है? टेक्निकली अगर जो मैं ONGC का चार्ट देखूं तो रिसेंटली एक 350 से लेकर 290 का एक अच्छा खासा करेक्शन आ गया है। उस करेक्शन के कारण जो स्टॉक है अपने
20 वीक एवरेज पे सपोर्ट पे आ गया है और फिर से वहां से एक अप जेनरेट कर रहा है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो करेक्शन आया था वो कंप्लीट हो चुका है और ये फिर से अपने जो प्रीवियस स्विंग्स आए थे अराउंड 350 355 वहां तक एक फ्रेश रैली स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें लगता है कि करंट स्तरों से रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा फेवरेबल है लॉन्ग करने के लिए। अगर जो कोई करंट स्तरों पे लॉन्ग जाता है तो 288 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर में इमीडिएट टारगेट रहेंगे 330 336 के। बिल्कुल, तो ये राय है ONGC पर। इसके अलावा इप्का लेबोरेटरीज पर नजर डालते हैं, स्टॉक में भी करीब 2% की तेजी आज दिखी है। नोमुरा की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है लेकिन टारगेट प्राइस जो पहले 1502 रुपए प्रति शेयर का था वो अब बढ़ाकर 1750 रुपए प्रति शेयर का कर दिया है। काफी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट है नोमुरा से इप्का लेबोरेटरीज पर, जहां उनका मानना है कि एबिटा मार्जिन्स एक्सपैंड हो सकते हैं जिसके चलते कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ सकती है। 30% का अर्निंग CAGR कंपनी अगले कुछ सालों के लिए रिपोर्ट कर सकती है और एबिटा मार्जिन्स भी 25 से 26% के कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। तो काफी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट जिसके चलते करीब 2% से ज्यादा की तेजी स्टॉक पर दिखी है। जतिन, इप्का लेबोरेटरीज चार्ट्स पर देखें तो क्या इस तेजी के बाद अब खरीदारी के मौके बनेंगे? देखिए, इप्का लैब्स में डेफिनेटली आज के ट्रेडिंग सेशन में एक हमने एक ब्रेकआउट जरूर देखा है और वो एक तकरीबन 2 हफ्तों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो पॉजिटिविटी है वो आगे जाते हुए कंटिन्यू रह सकती है। ऊपर में हमें लगता है इमीडिएटली अराउंड 1500 का एक स्ट्राइक पे कॉल कॉल का भी कंसंट्रेशन है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा जरूर यहाँ पे एक हर्डल हो सकता है लेकिन जैसे ही ये 1500 क्रॉस करेगा हमें लगता है कि और तेजी इसमें बन सकती है। इसके लिए 1500 के ऊपर अगर जो किसको लॉन्ग करना है तो 1500 के लेवल के ऊपर जब भी जाता है तभी ये लॉन्ग कर सकते हैं और इसमें टारगेट रहेंगे 1600 के और इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 1460 का। ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन हमें लगता है कि 1500 के ऊपर मोमेंटम आएगा। बिल्कुल, तो इप्का लेबोरेटरीज पर करीब 1.5 से 2% की तेजी, पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है। इस बीच पेटीएम पर नजर डाल देते हैं, पिछले कुछ महीनों से फोकस में रहा है रेगुलेटरी एक्शन के चलते। एमके ने स्टॉक को अपग्रेड किया है जिसके चलते 2.5 से 3% की तेजी यहां पर भी दिखी है। उनका मानना है कि अक्रॉस बिजनेस वर्टिकल्स आउटलुक काफी पॉजिटिव है। हाल ही में उन्होंने अपनी टिकटिंग बिजनेस भी बेच दिया जो जिसके चलते एडिशनल कैश फ्लोस कंपनी जनरेट कर पाएगी। ब्रोकिंग और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पर नजरिया काफी पॉजिटिव है और उनका मानना है कि फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY25 तक ऑपरेटिंग एबिटडा पॉजिटिव भी कंपनी हो जाएगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी पर भी उनका आउटलुक काफी पॉजिटिव है। तो इस रिपोर्ट के चलते जहां पर उन्होंने टारगेट प्राइस डबल कर दिया है, 375 का टारगेट प्राइस था पहले, वो बढ़ाकर 750 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस कराया किया है। 3% की तेजी इसके चलते यहाँ पर दिखी है। तो इस पर एक टेक्निकल राय ले लेते हैं सोनी। पेटीएम पर कई सारे रिटेल निवेशकों को काफी इंटरेस्ट होता है, तो नियर टर्म में क्या नजरिया होगा? पेटीएम में मुझे लगता है कि यहाँ पे करंट लेवल से हम देखेंगे तो 640 पे एक सपोर्ट है। अगर उसको होल्ड करता है तो शॉर्ट टर्म प्ले पे थोड़ा सा 685 690 के रेंज को टेस्ट कर सकता है। बहुत ज्यादा यहाँ पे तेजी लगने रहा है बट अगर किसको बाय करना है तो 640 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.685 690 छोटे प्रॉफिट गेन के लिए टारगेट के लिए आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को।